घर वापसी करने वाले हिंदुओं का जोरदार स्वागत। हिंदू संगठनों और विधायक ने पुष्प वर्षा व माला पहना कर किया स्वागत। यूपी के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन कर दूसरा धर्म अपनाने वाले करीब 20 परिवारों ने की हिंदू धर्म में वापसी। धर्मांतरण के चलते परिवर्तित हुए 20 परिवारों की हुई घर वापसी। हिंदू धर्म गुरुओं ने ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए लगभग 100 लोगों की कराई धर्म वापसी। घर वापसी करने वालों का भाजपा से खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने किया जोरदार स्वागत। खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में आयोजित किया गया धर्म वापसी कार्यक्रम। बुलंदशहर से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। स्वस्ति नो मे हस्पति दधातु त्रिगदस्वा मरुतः पिष्णि मातरः शुभं जावानो विदधे सुजगमयः अग्निदिव्या मनवः सूरचचसोऽभिषमे नो देवा अवसतमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षा विजयित्राः इष्टिनैरन्तै दुष्टुभा। मैम, आज एक धर्म वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितने परिवार ने धर्म वापसी की? 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग हैं परिवारों को पूरे। पहले कौन से धर्म में ताल्लुक रखते थे? पहले अलग अलग क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब वो सब सनातनी धर्म को अपना कर बहुत खुशी से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप बालवी। आपने भी धर्म वापसी की है? हाँ जी। तो इससे पहले कौन सा धर्म को फॉलो करते थे? पहले मसीह धर्म में जा कर चर्च जाया करते। हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? मैं और मेरी बीवी और दो बच्चे। सभी लोग चर्च जाया करते थे? हाँ, सभी जा। तो ईसाई धर्म क्यों अपनाया था आपने? बच्चे को परेशानी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बोली प्रार्थना वगैरह हो गई, बच्चे भी ठीक हो गया था। बाद में कोई लोभ लालच देकर तो धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब क्या लगा आपको कि आपने धर्म वापसी की? ऐसे ही मेरी उनसे ऐसे हो गई, कहना सुनी मेरी माताजी ख़त्म हो गई थी, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे धर्म में कुछ ऐसा करो जैसे खुतान के धर्म में। मेरी माँ की इच्छा यही कि जो हिंदू रिवाज में जैसे हम पहले थे, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे ही हो। अच्छा, तो मैं अपनी माता पहले आपने अंतिम संस्कार माता जी का हिंदू रीति रिवाज से? हाँ जी, जी हाँ, अब मैं हिंदू ही हूँ। क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सिंह है, सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। आज बुलंदशहर के खुर्जा में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष और नगरपालिका में भी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भाई सोनी जी और भाभी संध्या वाल्मीकि जी के प्रयास से विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के तत्वाधान में यह खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में एक सनातन धर्म में घर वापसी का कार्यक्रम विधिवत भव्यता के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें अपने कुछ ऐसे भाई बंधु भगिनी जो विभिन्न परिस्थितिवश या भ्रमवश या लोभवश कुछ पीढ़ी पहले कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म को त्याग करके किसी और पूजा पद्धति में सम्मिलित हो गए थे, वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, इस्लामिक हो सकती है, किसी भी दूसरे धर्म में चले गए थे, लेकिन आज वो पुनः अपने घर में, अपने सनातन संस्कार में, अपने परिवार में, अपने सनातन हिंदू समाज में वापस लौट करके आए हैं। खुशी खुशी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ उनका स्वागत का अनुष्ठान किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने हर्षपूर्वक उत्साहपूर्वक उपस्थिति जताई है। विधायक जी भी सम्मिलित रही हैं और सभी लोगों ने उस भूल को सुधार करते हुए अपने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और सनातन देवी देवताओं को पूजने का संकल्प यहाँ लिया है और देश की, भारत माता की सेवा रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। 20 परिवारों में हम लोगों ने संपर्क किया था, 18-20 परिवारों के लगभग 100 के करीब यहाँ पर परिजन, क्योंकि एक परिवार में 8-10 लोग हैं, तो ऐसे लगभग 100 लोगों का यहाँ ये परावर्तन का, घर वापसी का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ है, जिसमें विशेष रूप से भाई सोनी जी की, प्रिंस पाठक जी की, विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के जिला मंत्री हरिओम नागर जी ने, उन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सभी के एफिडेविट तैयार करके, सबका सहमति पत्र तैयार करके विधिवत औपचारिक प्रक्रिया संपन्न कराकर यह वैदिक अनुष्ठान कराया है।